नमस्कार और आदाबाद। सनीचर अप्रैल के 4 तारीख, पेश है आपके लिए 7 दिन के खबरें। सबसे पहले एक बार फिर आज के प्रोग्राम में हम कोरोना वायरस COVID-19 से संबंधित इनसे जुड़े हुए खबरें आपको पहले देना चाहते हैं। पहला ये अफसोस की बात है कि सूरीनाम देश भी यहाँ पर ये कोरोना वायरस अपना शिकार कर चुके हैं। कल सुबह को ये अफसोस का खबर आई है कि सूरीनाम देश में भी एक व्यक्ति का देहांत हो गया है ये कोरोना वायरस से। रिक स्खुइतमाकर ये पहला शख्स है जिनका देहांत हुआ है ये COVID-19 कोरोना वायरस से। यहाँ से इस परिवार को और सूरीनाम देश की पूरा जनता को भी हम सब अपना शोक संवेदना प्रस्तुत करते हैं। कल के जो NCCR कोविड मैनेजमेंट टीम का जो प्रेस कॉन्फ्रेंसी था, इस पर प्रेसिडेंट देसी बौद्ध पहले आए थे, एक स्टेटमेंट दिए हैं और इस स्टेटमेंट में ये वो इतला किए हैं कि सूरीनाम देश में एक शख्स का देहांत हो गया है और साथ में वो इस परिवार को और सूरीनाम देश के जनता को भी अपना शोक संवेदना प्रस्तुत किए है। और बाकी के खबरों में हम आपको बताना चाहते हैं कि जो लोग विदेश में हैं और उन लोगों को वापस सूरीनाम देश में आना है, सरकार ये ऐलान किए हैं, ये COVID-19 के मैनेजमेंट टीम ऐलान किए हैं कि इन लोगों को फिर से अपना नाम रजिस्टर करवाना है। एक रिपात्रियासी फॉर्मुलियर इन लोगों को फिर से इनफिल करना है, दोबारा इनफिल करना है, क्योंकि जो मातृहरण लिया गया था ये इसमें कुछ बदलाव आए हैं। ये फरप्लुख्त है, आपको ये फॉर्मुलियर इनफिल करना है। अगर योहान आदल्फ पेंगल लुख्ताफन पर आप आएंगे तो यहाँ पर NCCR का जो इंस्ट्रक्सी से जैसा ये सब कहेगा ये आपको फॉलो करना है, वैसा ही आपको करना है। इसके लिए आप दस्तखत देंगे कि इन लोगों के कहे हुए बातें पर आप गौर करेंगे। ट्रांसपोर्ट जो है ओवरहेड्स क्वारंटाइन तक, जहां पर आपको ओवरहेड्स क्वारंटाइन में रखा जाएगा, इसका लोग बंदोबस्त करेंगे और 48 घंटे तक, मतलब 2 दिन 48 घंटे लंग 48 घंटे तक आपको ओवरहेड्स क्वारंटाइन में रहना है। ये हर एक पर लागू है जो विदेश से सूरीनाम आएगा। अगर उसके बाद आप तौस क्वारंटाइन में जाना चाहते हैं तो लोकेशन जो है जहां पर जगह पर आप रहेंगे तौस क्वारंटाइन में, ये पहले देखा जाएगा, यहां पर एक चेकअप होगा और अगर जगह ठीक रहेगा, NCCR इसके लिए रजामंदी देंगे, लोग राजी होंगे ये जगह से, तब आपको वहां पर रखा जाएगा। लेकिन इसमें भी एक लेकिन है, एक लेकिन और है, और वो ये है कि स्टाति से बफेल हैं के ज़रूरी है। ये जो सरकार कहे है, COVID-19 के मैनेजमेंट टीम कहे है कि स्टाति से बफेल हैं होना चाहिए, मतलब एक शख्स वहाँ पर मौजूद रहेगा। जब आप तौस क्वारंटाइन में जाएंगे तो आप पर पहरा डालने के वास्ते, क्योंकि पेशतर ऐसा हुआ है, लोगों को तौस क्वारंटाइन में रखा गया था, घर भेज दिया गया था, लोगों को घर में ही रहना था, लेकिन तो लोग घर छोड़कर सड़क पर गए हैं और दूसरे को लोग खतरे में डाले हैं। इसलिए अब फरप्लिख्त अगर तौस क्वारंटाइन में आप जाना चाहते हैं तो अगर आपको इजाज़त मिलेगा तो इसके लिए स्थाति सब फैल हिंग रहेगा, वहाँ पर लोगों को रखा जाएगा आप पर पहरा डालने के लिए, बवाकिंग के लिए, और इसका पैसा, इसका खर्चा आपको उठाना पड़ेगा। तो आप अगर इससे सहमत होंगे तो आप तौस क्वारंटाइन में जा सकते हैं। जो लोग अभी तक विदेश में हैं और आप अभी तक सूरीनाम देश वापस नहीं आ पाते हैं, आप लोगों से गुजारिश किया जाता है, आपके करीब के वहाँ पर जो देश में आप है, एक डिप्लोमेटिक पोस्ट है या एक कौंसुलर मेसी है सूरीनाम देश का, वहाँ पर आप जाकर लोगों से बात कीजिए, अपना मुश्किलात लोगों से बताइए, अपना नाम आप रजिस्टर करवाइए। बहुत से शिकायत अंदर आए हैं कि लोग वहाँ पर किसी से मिल नहीं पाते हैं, फ़ोन लोग नहीं उठाते हैं, तो आपसे ये कहा जाता है अगर आपको मदद की ज़रूरत है, फाइनेंशियल मुश्किलात में आप है, हो सकते हैं जो लोग वैकेंसी से गए थे, होटल में ठहरे थे, आपका हंत हेल्थ ख़त्म हो गया है, और भी कोई वैसे सवाल आपको करना है, तो आपको दो ईमेल एड्रेस दिया गया है, दो ईमेल एड्रेस है,
konsa@gov.sr या konsa.suriname@gmail.com। ये आप पर्दे पर देख रहे हैं, बेल्ट में ये ईमेल एड्रेस हम सब आपके लिए लाते हैं, तो ये दोनों ईमेल एड्रेस पर आप तार कर सकते हैं अगर कोई और जानकारी आप चाहते हैं, या जहाँ पर जिस देश में आप हैं वहाँ का कोई कौंसुलात से आप बात नहीं कर पाते हैं। वैसे हम आपको ये बता दें कि 31 तारीख मार्च को 102 लोगों को वापस सुरीनाम देश में लाया गया है, ब्राज़ीलिया बेलम से ये सब आ गए हैं। पेशतर आपको पता है कि मायमी और क्यूरासाओ का लोग जो आए थे पहला फ्लुख में, तो लोग काफ़ी शिकायत किए थे क्योंकि इन लोगों को काफ़ी तकलीफ़ हुआ था, खाना नहीं था ठीक से, लोगों को वहाँ पर रहने का जगह जो था ये भी ठीक नहीं था, तो काफ़ी शिकायत आई है। लेकिन सरकार अब पूरी तौर से अपना तैयारी किए है और ये कहा गया है कि जो 102 लोग 31 तारीख मार्च को ब्राज़ीलिया बेलम से आए हैं, इन लोगों को शिकायत नहीं था, इन लोगों को अच्छी तरह से देखभाल किया गया है। दूसरा फ्लाइट जो है रेपेट्रियासी फ्लुख जो है मायमी से, ये अप्रैल के 2 तारीख को हुआ है और लगभग 95 लोग मायमी से भी सुरीनाम देश वापस आ चुके हैं। इन लोगों को क्वारंटाइन में रखा गया है और यहाँ पर भी कोई शिकायत लोगों को नहीं था। यहाँ वहाँ सरकार की तरफ से भी कुछ गलतियाँ होते हैं, लेकिन लोगों से गुजारिश किया जाता है आप इतला कीजिए क्या मुश्किल है, तो लोग कोशिश करते हैं इसे हल करने को और आपके मदद में लोग, क्योंकि ये भी नया चीज़ है सुरीनाम देश में, तो लोग पूरी तौर से सरकार पूरी तौर से कोशिश करते हैं आपके मदद करने के लिए। वैसे पहला शख्स, पहला कोरोना पेशेंट जिसके पास ये बीमारी मिला था, ये खुशी की बात ये है कि उन्हें घर भेज दिया गया है। इनका 2 बार टेस्ट हुआ है, दोनों नेगेटिव था, तो अब इन्हें घर भेज दिया गया है, हॉस्पिटल से खारिज किया गया है, लेकिन अभी इन्हें एक हफ्ता तक तो इस क्वारंटाइन में रहना है। इसमें अफसोस की बात ये है कि ये पहला बसमत प्रशून ये स्त्री जो था, जो आदमी कोरोना दौद एयर्स सुरीनाम देश में है, ये इसका पति रिक स्खुइटमाकर, ये इसका पति है, सेफ एंड बसमत प्रशून था और रिक स्खुइटमाकर का देहांत हो गया है, लेकिन पहला बसमत प्रशून ये हॉस्पिटल से इन्हें घर भेज दिया गया, इन्हें एक हफ्ते तक तो इस क्वारंटाइन में रहना है। 2 और लोग जो इंटेंसिव केयर में पर थे, इंटेंसिव केयर पर थे अस्पताल में, अब इन लोगों को इंटेंसिव केयर से निकालकर शिफ्ट किया गया है अफदेलिंग पर, अभी वहां पर इन लोगों का देखभाल हो रहा है, इलाज हो रहा है। आने वाले सप्ताह और न्यूज़ रहेगा रेपेट्रियासी फ्लुख्तन के बारे में हॉलैंड से, क्योंकि बहुत से लोग वहाँ पर हैं जो वापस अपना देश आना चाहते हैं, और हॉलैंड के छोड़कर इंडिया और दूसरे देशों में भी सुरीनाम के लोग फंसे हुए हैं, इन लोगों के लिए आने वाले सप्ताह खबर रहेगा। सरकार पूरी तौर से कोशिश कर रही जितना जल्द हो सके अपने लोगों को घर लाने के लिए। आपको पता है कि बीते हुए एतवार से सुरीनाम देश में एक लॉकडाउन है, आफन क्लॉक है, 8 बजे रात से सुबह 6 बजे तक सड़क पर जाना बिल्कुल मना है, तो भी पुलिस के काम में बहुत से लोग दखल दिए हैं और लोग इस पर गौर नहीं किए हैं। 8 बजे के रात लोग सड़क पर गए हैं, दंगा फसाद किए, पुलिस पर हमला किए है, सड़क पर लोग आग लगाए, सड़क पर लोग बारिकादस रखे है और पुलिस के बातों पर लोग गौर नहीं किए है, इससे काफ़ी तकलीफ पुलिस के हुआ है, पुलिस के काम लोग काफ़ी मुश्किल किए हैं, और ये पहला 2-3 दिन के बाद है, उसके बाद लोग पुलिस के बात सुनने लगे हैं, उतना ज़्यादा मुश्किलात नहीं थे। लेकिन हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ब्यूर्तन जहाँ पर गली में, जहाँ पर रास्ते पर, जहाँ पर ऐसा हुआ है, ये है लातूर, रामगुलाम वेख, पनबर्त, खुद फरवाख्तिंग, मैंकडाम और भी एफराम सेखन पर पुलिस बताई है कि लोग ऐसे काम किए हैं। पुलिस जनता से गुजारिश करते हैं आप सड़क पर मत आइए, लॉकडाउन पीरियड पर अगर ज़रूरी नहीं है बेवजह के आप सड़क पर मत आइए, पुलिस के काम में आप दखल मत डालिए, क्योंकि पुलिस आपके हिफाजत के लिए है। अगर आप तो भी सड़क पर आएंगे तो आपके पास एक इजाज़त का एक कागजात होना चाहिए जिसमें आपको इजाज़त मिलता है, इजाज़त सिर्फ उन लोगों को मिलता है, डिस्पेंसरी उन लोगों को है, ये लॉकडाउन पीरियड में आफन क्लॉक के समय के अंदर सड़क पर आने के लिए
ये एसेंशियल दिनस्त हैं जो लोग सौरख पर लेने में काम करते हैं, डॉक्टर, नर्स इत्यादि, फर्प्लेसर्स जो होते हैं सौरख सेक्टर में जो लोग काम करते हैं, सिक्योरिटी के लोग और भी प्रोडक्सी के लोग, पुलिस इत्यादि, इन लोगों को इजाज़त मिला है। एक कागजात आपके पास होना चाहिए और इसमें लिखा गया है कि आपको इजाज़त है सड़क पर आने को। बाकी के लोगों को पुलिस कहते हैं घर पर रहिए, वरना अगर सड़क पर आप दिखाई देंगे तो पुलिस आपको गिरफ्तार करेंगे, आपको एक फेलखेस फुयरिंग आप पर किया जाएगा, उसके बाद पुलिस आपको ले जाकर कहीं जगह पर बंद कर देगा और सुबह 6 बजे फिर आपको वापस घर जाने का इजाज़त दिया जाएगा। और ये भी बता दें कि लॉकडाउन स्कूलों पर भी जारी है। मिनिस्टर लिलियन फेरिये, ऑनदरवाइज का मिनिस्टर जो है, इस हफ्ता ये ऐलान किए है कि पेशतर कहा गया था स्कूल 14 तारीख अप्रैल तक बंद रहेगा, 16 तारीख से लोग फिर दरवाज़ा खोलते, फिर पढ़ाई शुरू होता, लेकिन ऐसा अब नहीं होगा, ये फरलेंग हुआ है, बढ़ा दिया गया है समय। अब नहीं पता है कि स्कूल फिर से कब शुरुआत होगा, ये मिनिस्टर लिलियन फेरिये ने किए हैं। ओपन बार फॉर फूर, बस और बोट हाउस जो है ये सब भी काम नहीं करते, एक हफ्ते के लिए इन लोगों का समय भी बढ़ा दिया गया है, इन लोगों के लॉकडाउन पीरियड बढ़ा दिया गया है। ओपन बार फॉर फूर मतलब ये है बस और बोट जो है ये सब जनता के फरफूर करने के वास्ते नहीं है। और ये हम आपको भी बताना चाहते हैं कि COVID-19 से बचने के लिए ज़रूर सरकार का जो मात्र एकलन है कोविड मैनेजमेंट टीम आपको बताते हैं, बेओखई जो आपको टिप्स देते हैं, इस पर ज़रूर आप गौर कीजिए, खुद बचिए औरों का भी ज़रूर आप हिफाजत कीजिए। कुछ और ख़बरें जो मैं आपको बताना चाहती हैं, मिनिस्ट्री फॉर हैंडल इंडस्ट्री एंड टूरिज्म जो है ये पाबंदी लगाना चाहते हैं इम्पोर्ट लुक्स खुदरन का। ये एक स्टार्ट्स प्लान है जो अभी तक कॉन्सेप्ट में है, अभी ऑफिशियल नहीं है, लोग तैयार किए हैं, लेकिन ये पता चला है कि अंदर के कोई ये लीक किया है, ये डॉक्यूमेंट लीक किया है और ये जानकारी बाहर आई है। ये जो SBI ये स्टार्ट्स प्लान जो है इसके आधार पर लोग चाहते हैं कि अनेक जो सामान लोग इंपोर्ट करते हैं जिसे लोग लुक्स खुदरन मानते हैं, ये एक नई खतीफ लाइस पर रखा जाए और इनका इंपोर्ट रोक दिया जाए, क्योंकि देश में फालूता की कमताई है, तो जो फालूता है इससे कहा गया है लोग चाहते हैं कि इससे मेडिस आर्टिकलन खसों थे सरख के वास्ते सामान और भी दवा मेडिकामेंटन ये सिर्फ इंपोर्ट किया जाए और बासिस लेफेंस बहुफ्त एयरस्त लेफेंस बहुफ्त लॉकडाउन पीरियड में जो सख्त ज़रूरत है हर एक को सिर्फ ये प्रोडक्टन के लिए इजाज़त मिले इंपोर्ट करने के वास्ते। मिनिस्टर स्टेफन संग हैंडल इंडस्ट्री एंड टूरिज्म का ये बात को सुनकर काफ़ी नाराज़ हुए हैं, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट जो है इसके बारे में अभी बातचीत करना था, सरकार इस पर अभी ये भी कोई फैसला नहीं लिए है, ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं है, तो इसको गुप्त रखना था, लेकिन किसी ने ये डॉक्यूमेंट ये जानकारी जो है बाहर लाई है, इस पर उन्होंने कहा है खोजबीन हो रहा है और अगर पता चलेगा किसने ऐसा किया है तो इस पर कदम उठाया जाएगा। एक अफसोस के बाद कि कल सुख के सुबह में 7 बजे एक हादसा हुआ है एक ब्रॉम्फिटसर के साथ, 28 साल का डेरिनल लेदा इसका देहांत यातायात फरकेर में हुआ है, मेस्टर पे चांदी शव वह में। ये एक ड्यू राइडर के साथ ब्रॉम्फिट्स पर एक और शख्स इनके साथ मौजूद था, ये मेस्टर पे चांदी शव वह के एक इलेक्ट्रिसिटी मस्त से जाकर टकराया है, अभी तक नहीं पता है कारण क्या है कैसे, लेकिन कंट्रोल खो देने से ये जाकर इलेक्ट्रिसिटी मस्त से टकराया है और वहीं पर इसका देहांत हो गया है। ड्यू राइडर को लोग स्पुतप ले गए इलाज के वास्ते, इनको एक ब्रेन फ्रैक्चर है और लाश जो है लेदात का पुलिस कब्जे में ले लिए है ऑब्डक्सी के वास्ते सेक्सी के वास्ते। ये इस साल के वास्ते 15 दफर केश 2 दहे सुरीनाम देश में। राफक्सूर रात फन फक सेंट्रालस इन सुरीनाम ये सब एक प्रस्ताव सरकार के सामने रखे है लोन ब्लास्टिंग फरलाहिंग के वास्ते। लोग चाहते हैं कि लोन ब्लास्टिंग जो लोग तनख्वाह पर लोन ब्लास्टिंग भरते हैं ये कम किया जाए और लोग चाहते हैं कि सरकार इसके लिए 6 तारीख अप्रैल से पहले अपना सहमति दे दे, क्योंकि लोग चाहते हैं कि अप्रैल महीना की तनख्वाह सलारस पर ये लोन फरलाहिंग जो है ये काम में लाया
जाए, ये कम किया जाए, लोन फरलाखिंग जो है अप्रैल से चालू हो जाए। इस पर मिनिस्टर फिनंसियन प्रेसिडेंट एसी बाउटश और ऑफिसर्स जो है गौर कर रही है प्रस्ताव पर। उम्मीद है कि प्रेसिडेंट ये सब उम्मीद करते हैं, राफक्सर उम्मीद करते हैं कि प्रेसिडेंट इन लोगों के मांग पर गौर करेगा और ये मांग पूरा करेगा, क्योंकि काफ़ी मुश्किल है देश में। इकोनॉमिक स्थिति, जो आर्थिक स्थिति, हालात जो है ये बहुत ही बुरा है, बहुत से लोग मुश्किल में हैं, इसलिए राफक्सर ये गुजारिश किए हैं। रेक्टर जेमी कास्टिपो वी जोयो, जिनका नाम लोग लिए थे एनडीपी फ्रक्सी, इनको कैंडिडेट ठहराए थे, कैंडिडेट फोर्शेटर ये था कॉन्स्टिट्यूशनल हॉफ के वास्ते, ये अब कदम वापस ले लिए हैं फोर्शेटरशिप से कॉन्स्टिट्यूशनल हॉफ का। ऐसा एक खत में वो पंचघर के सभा नेत्री येनिफर हेयरलिंग सिमोंस को इतला किए हैं। कास्टिपो वी जोयो ये बागडोर संभालने वाले थे कॉन्स्टिट्यूशनल हॉफ का, लेकिन हाँ बोलने से पहले कास्टिपो वी जोयो कहा था कि वो चाहते हैं कि ज्यादा तौर पर लोग इस बात से सहमत रहे, आम जनता जो है भी इस बात से सहमत रहे और इनके पीछे खड़े हो, इनके पीछे लोग इन के खड़े रहे, इससे सहमत रहे इस बात से, न सिर्फ क्योंकि एनडीपी फ्रक्सी इनको सामने लाए थे और इसको कैंडिडेट ठहराए थे, लेकिन इनका जो तजुर्बा है और इनके जो ज्ञान है, इसके आधार पर वो चाहते थे कि लोग इसके जो कैंडिडेट सेलिंग ही इससे सहमत रहे। इससे पहले आदेक के डेमोक्रेसी यूनिट पर वो काम किए हैं, वो दोसेन भी था आदेक पर, देकान था फैकल्टी देर मात्सापे वेतनस्कापन पर। इनके पास ज़्यादा जानकारी है, ज़्यादा ज्ञान है और तजुर्बा है, और इसके आधार पर वो चाहते थे कि ज़्यादा तौर पर लोग सहमत रहे ये बात से कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल हॉफ का फोर्शेटर बने, लेकिन इन तमाम बातों पर के बारे में चर्चा नहीं हुआ है। इसलिए वो कहते हैं अगर लोगों को इस बात से इतराज़ है तो वो कदम वापस लेना चाहते हैं। ये बातें नज़रअंदाज किया गया है, इसका तजुर्बा, इसका जो जानकारी है ये नज़रअंदाज किया गया है, इसलिए अब वो आगे कॉन्स्टिट्यूशनल हॉफ का फोर्शेटर नहीं बनना चाहते हैं। अपाचे कॉरपोरेशन और टोटल एसआर ये सब बोरिंग जारी किए थे इर्स्ट ओलिफोन्स के बाद तेल जो सुरीनाम देश में मिला था ब्लॉक 58 में। अब ये हफ्ता पता चला है कि दूसरा बोरिंग करने पर एक ओलिफोन्स हुआ है, तेल फिर से मिला है सपाकारा वेस्ट एनपुट में ब्लॉक 58 में। एक दर्द लोकाची तीसरा और एक चौथा जगह भी है, ये तीसरे जगह पर बोरिंग का काम शुरू हो गया है, यह है क्वासक्वासी और उसके बाद फिर द बोरपुत, यह है केसकेसी, इस पर कामकाज लोग शुरुआत करेंगे। रुडोल्फ एलियास जो स्टार्स ओली का डायरेक्टर है प्रेसिडेंट देसी बाउटश को ये खुशखबर दिए है, और प्रेसिडेंट देसी बाउटश ये एक स्टेटमेंट दिए है। स्टेटमेंट में वो उन्होंने सुरीनाम के जनता को मुबारकबादी दी इस बात से कि फिर एक बार काफ़ी ज़्यादा तादाद में तेल सुरीनाम देश में मिला है, ट्वे द ओलिफोन्स हुआ है सुरीनाम देश में। वेहनर से उदराय सिंह फर्मा वेख, यहाँ नदी के किनारे पुलिस से एक लाश पाए हैं, या कुछ शिकारियों जो है यहाँ पर शिकार करने के लिए गए थे तो ये सब एक लाश पाए हैं। दर्दरे वक्त के पुलिस को लोग तार किए हैं और खोजबीन से ये पता चला है। अप्रैल के पहली तारीख को ये लाश मिला है, पुलिस कवाता का अफदेलिंग फ्रॉड और कैपिटाला डिलिक्टन के साथ मिलकर इस मामले पर आगे खोजबीन कर रहा है। अभी तक नहीं पता है किसके लाश है, यह पुलिस जरूर बताए कि एक मर्द का लाश है और खोजबीन जारी है। यह लाश कब्जे में लिया गया है, यह पूरी तौर से खराब हो गया था। सुरीनाम देश में ये खबर ये हफ्ता भी आई है, 16 तारीख जनवरी को, बेशतर 16 तारीख जनवरी इस साल में फिच रेटिंग्स जो है सुरीनाम देश के क्रेडिट वर्दखे नीचे लाए हैं। सुरीनाम को एक ट्रिपल सी रेटिंग दिए है, एक जंक स्टेटस दिए है। इस हफ्ता अप्रैल के 2 तारीख स्टैंडर्ड्स एंड पूर जो है ये रेटिंग ब्यूरो भी ऐसा किया है, सुरीनाम देश को एक ट्रिपल सी रेटिंग दिया है। ये कहा गया है कि न सिर्फ देश के इकोनॉमिक सिचुएशन इसका कारण है, लेकिन आर्क ओली तेल का दाम
वर्ल्ड मार्केट प्राइस जो है ये घट गया है, ये कम हो गया है, ये भी इसका वजह है। सरकार जो इतना ज़्यादा कर्जा लिए है और भी COVID-19 के वजह से, जिसके से सूरीनाम देश के इकोनॉमी पर काफ़ी असर होगा, ये भी कारण बताया गया है क्यों ये ऐसा रेटिंग सूरीनाम देश को मिला है। और ये भी कहा गया है कि अभी हाल ही में जो नया फालूदा वैथूटकर हुआ है, ये भी एक कारण हो सकता है ये रेटिंग के वास्ते। सूरीनाम देश को स्टैंडर्ड एंड पूर रेटिंग ब्यूरो एक CCC रेटिंग दिए है। प्रेसिडेंट देसी बाउदर्श के पास जो बरूप स्क्रिप्ट कुछ पॉलिटिकल पार्टियों ने रखे थे, जिनको CIS सेंट्रल होस्टम ब्यूरो के जरिए इजाज़त नहीं मिला था चुनाव में हिस्सा लेने के लिए, क्योंकि इन लोगों के कागजात जो था ये रजिस्ट्रेशन पर लोग इन दिन किए थे पूरा नहीं था। अब चार पॉलिटिकल पार्टियों जो बरूप स्क्रिप्ट इन दिन किए थे, इसमें से दो लोगों को इजाज़त मिला है। प्रेसिडेंट इन लोगों को अब इजाज़त दिए है चुनाव में हिस्सा लेने को। ये है स्त्री और दनीव विंद। बाकी के लोग, बाकी के दो पार्टी जो है स्टेमोपिया सेल्फ और ए नतविंतक प्लस, इन लोगों को इजाज़त नहीं मिला है। ये सब वार बोरख सोम जो है 96,350 SRD का जमा नहीं किए है। अब 18 पार्टियों आने वाले चुनाव में हिस्सा लेंगे। आने वाले अप्रैल के 9 तारीख कैंडिडेट लिस्ट इन लोगों को इन दिन करना चाहिए। ये आखिरी खबर आज 7 दिन में। शुक्रिया, नमस्कार और खुदा हाफिज़।